जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिनका सपना होता है फौजी बनने का। दोस्तों, कई मेरे दोस्त हैं जिनका मतलब फौजी बनने का सपना होता है, चाहे आर्मी में जाने का, चाहे SSGD के द्वारा जिनके आर्मी में ओवर एज हो गए हैं या किसी कारणवश आर्मी के मेडिकल में रह जाते हैं, वो SSGD के थ्रू अपना सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्दी पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो आपके परिवार में, फौजी की मतलब एक अलग रिस्पेक्ट है। बहुत सारे लोग हमारे देश में ये चाहते हैं कि वो फौजी बने, जितने मेरे छोटे भाई उनका कईयों का सपना होता। तो उनके लिए वीडियो आप जरूर एंड तक देखना, आपको मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूँ। तो मेरे ख्याल से आपके लिए सबसे खास मोटिवेशन इससे अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए एक बार जरूर देखिए। क्योंकि जिस सपने को आप देख रहे हो वो सपना मैं देख के साकार किया हूँ, तो आपके लिए मोटिवेशन वाली बात ही है। तो दोस्तों, कुछ मैं आपको बातें बता रहा हूँ, इनको आप अच्छे से जानिए। देखो, मेरे ज़्यादातर जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं वो यही पूछते हैं कि सर, आपको इतना टाइम मिल जाता है ड्यूटी के बाद में, क्या मतलब यूट्यूब पर इतने वीडियो बनाते हो या और भी जितने मैं कॉमेडी वीडियो भी बनाता हूँ अलग अलग, जैसे इंस्टाग्राम पर रील वीडियो भी बनाता हूँ, और इतना टाइम मिल जाता है, साथ में मैं पढ़ाई भी करता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो इतना टाइम मिल जाता है कि आपको ड्यूटी के बाद में। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, फिर इसके बाद में आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। दोस्तों, होता क्या है, जैसे चाहे मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं कॉमेडी वीडियो बनाऊँ रील पे, इंस्टाग्राम पे, या सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करूँ, तो जिस चीज़ से अगर ज़िंदगी में आपको खुशी मिलती है, मेरे ख्याल से उसके लिए आप टाइम हमेशा निकाल लो। ये देखिए, मेरे को यूट्यूब वीडियो बनाना मतलब इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर पूरे दिन भी इसमें लगा रहूँगा तो भी बोर नहीं होऊंगा, और मेरे को ये मतलब दिल से मतलब खुशी होती है, ठीक है, और हमेशा सोचता रहता हूँ कौन सा वीडियो बनाऊँ, किस पे वीडियो बनाऊँ। दूसरा, मैं जब कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ तो वो इसलिए बनाता हूँ कि जब हम कॉमेडी वीडियो बनाता हूँ मैं, तो पहली बात तो जब मैं अपनी मम्मी को भेजता हूँ या घर पे भेजता हूँ, तो पहले तो घर वालों को ये खुशी हो जाती है कि भाई बच्चा खुश है, हैं, वो भी हंस लेते हैं, उनका भी दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो खुश है। साथ में और भी जो लोग हंसते हैं उनको भी खुशी होती है भाई कॉमेडी वीडियो देख के, तो मैं वो भी बनाता हूँ, उससे मेरे को भी खुशी होती है दुगनी, जितनी लोगों को होती है उससे दुगनी मेरे को खुद को होती है। फिजिकल एक्सरसाइज इसलिए करता हूँ कि भाई खुद को फिट रखना, तो खुद को फिट रखना हमेशा अच्छा लगता है, रनिंग करना या हमेशा आपको अच्छा लगेगा, फिजिकल फिट रहना ही पड़ेगा आपको। पहली बात तो आप अगर फौजी हो, दूसरे अगर आप फौजी भी नहीं हो तो आपको फिजिकली फिट होना, मेरा तो मानना ये है कि जब अगर आप फिट हो तो ही साला ज़िंदगी जियो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ज़िंदगी का। अरे, आप खुद फिट होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी निकाल दे आपको, बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए आपको, मतलब अपने शरीर को इस प्रकार से बनाना है। तो दोस्तों, जो चीज़ हमेशा ज़िंदगी में खुशी देती है ना, तो उसके लिए अगर आप ये मान के करोगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा। अब मैं जैसे ड्यूटी करके आता हूँ ना, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जंगल में, मतलब हार्ड से हार्ड ड्यूटी, आते ही मैं हर एक आधे एक घंटे के बाद में वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ कहीं पे भी और कुछ भी मतलब करने शुरू कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी है, मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, मेरे को थकान नज़र नहीं आती कि भाई मैं 4 दिन से सोया नहीं हूँ या ड्यूटी कर रहा हूँ 3 दिन से या 4 दिन से, तो मेरे को वो थकान बिल्कुल नहीं रहती, क्योंकि मेरे को खुशी मिलती है जो काम कर रहा हूँ। इसीलिए अगर आप फौज की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले तो फिजिकल एक्सरसाइज करने में आपको खुशी होनी चाहिए, आपको मतलब खुश होना चाहिए कि आप जब रनिंग करके आते हो तो आपको खुद को ये अंदर से फील होना चाहिए चलो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि अगर आप सुबह सुबह रनिंग करते हो या सुबह सुबह फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, आपको पता तंदुरुस्ती से जाता पूरा दिन और बहुत ही अच्छा दिन निकलता है। तो सबसे पहले आपको ये मतलब खुद को फील होना चाहिए कि हाँ अच्छा। अगर आप उसको बोरिंग से करोगे कि यार सुबह रनिंग करना है, तो फिर मतलब नहीं उसके बजाय तो आप करो मत, क्योंकि जो काम आप कर रहे हो उससे सबसे पहले आपको खुशी होनी चाहिए। अगर आप फौज का सपना देख रहे हो तो आपको सुबह 4 बजे उठने में खुशी होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। आप अगर फौजी बनने का सपना देखते हो तो आपको सुबह 4 बजे उठने में खुशी होनी चाहिए, और इतनी खुशी होनी चाहिए कि मतलब आप हर रोज़ 4 से पहले ही उठ जाओ, 4 तो आपको लेट बजे, आप अलार्म 4 बजे का भरो और आप 4 बजने 5 मिनट पहले आपकी आँख खुल जाए, तो वो होती है खुशी। तो मतलब उस प्रकार से आपको खुशी होनी चाहिए, तभी आप फौज की तैयारी कर सकते हो फिजिकली तौर पे। अब आपको एग्ज़ाम की अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको हर रोज़ एक नई चीज़ कुछ सीखने को मिले, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे GK की, किसी भी चीज़ अगर आपको सीखने को मिल रही है तो आपको उससे खुशी होनी चाहिए कि ये पहले मेरे को नहीं आती थी, अब मेरे को आती है। तो इस चीज़ की आपको अगर खुशी होगी तो आपको मतलब ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, और जल्दी आसान रहेगा आपके लिए सीखना वो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिजिकल सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उन चीज़ों से आपको खुशी मिलनी चाहिए। आपको अगर बोरियत मिल रही है उन चीज़ों से, अगर आप बोर हो रहे हो, आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो वैसा करें ना, क्योंकि ज़बरदस्ती से फिर आपको सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी और घर वालों को आप टाइम खराब करोगे। अब आपको ये खुशी कैसे मिलेगी? तो दोस्तों, हमेशा अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो उसके बाद में अपने शरीर को कंपेयर करना दूसरे से, आपके एज का दूसरा बंदा, उससे कंपेयर करना अपने शरीर को और ये देखना कि देखो मैं कितना फिट हूँ और वो मेरी एज का ही है, उसका शरीर देखो कैसे तूंद बार आ रखी है कैसे, तो आपको अपने आप अच्छा लगने लग जाएगा आपका शरीर। दूसरा, आपको मतलब ऐसे चेस्ट फुला हुआ दिखेगा, ऐसे
धड़ाकेगा तो मतलब खुद को प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ मैं फिट तो हूँ, कम से कम ऐसे खड़ा होगा कहीं पे भी तो लगेगा हाँ भाई फौज की तैयारी करा या फौजी है, तो मतलब ऐसा लगना चाहिए। तो उसको आपको ऑब्जर्व करना, अपने शरीर को दूसरे से कंपेयर करते रहना ताकि आपको खुशी होगी। यही पढ़ाई में अपनाना है कि जब आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो तो आपको कोई नई चीज़ आती है तो आप उनसे वो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, उसकी मेरे मेहनत काम में आ रही, तो आपको और ज़्यादा खुशी होगी। अगर आपके साथ वालों से आपको अगर दो चार क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो आपको हमेशा खुशी होती रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे। तो इसलिए इस प्रकार से आप पढ़ाई या तैयारी करें फौज की ताकि आपको खुशी ना हो, खुशी हो, ऐसे नहीं कि दुखी होकर, अगर दुखी होकर करोगे तो बेटर है, नहीं दो तो अगर फौजी बनना है तो आपको खुश होके, मतलब सबसे पहले खास बात है आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए और इस बात की रहनी चाहिए, प्राउड रहना चाहिए कि मैं फौज की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर आपकी ज़िंदगी ऐसे ही सफल है। जय हिंद, जय भारत।